खबर धौलपुर से। धौलपुर जिले के रेलवे स्टेशन पर आजादी के जश्न पर पहली बार बांग्लादेश के लिए एनिमल फूड से भरी हुई रैक को रवाना किया है। आगरा मंडल के वाणिज्य प्रबंधक इसके श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रैक को रवाना किया। स्टेशन से DOC 42 वैगन रैंक में एनिमल फूड्स भरा हुआ है। VK उद्योग लिमिटेड कोलकाता द्वारा इस माल को बांग्लादेश के दर्शना स्टेशन के लिए भेजा गया। इससे भारतीय रेलवे को 60 लाख रुपए की आय हुई है। वाणिज्यिक प्रबंधक श्रीवास्तव ने बताया कि VK उद्योग इंडस्ट्रीज द्वारा और रैंक बांग्लादेश के अन्य स्टेशनों के लिए भेजी जाएगी। ट्रेन रवाना करने के दौरान स्टेशन अधीक्षक NN मिश्रा, वाणिज्य निरीक्षक RC मीणा और इंडस्ट्री के मालिक मौजूद रहे। तो क्या करेगा, जब गाड़ी नहीं होगी तो कैसे जाएगी साहब? पीछे का सब ओके है? बिल्कुल चल। आज पहली बार दिनांक 15/8/2021 से आज स्वतंत्रता दिवस भी है। हौलपुर स्टेशन से दर्शना स्टेशन के लिए जो बांग्लादेश में स्थित है एक DOC डीआईट गेट का 42 स्पेशल बाइक रेक यहाँ से रवाना की जा रही है, जो कि इस रीजन में पहली बार हो रहा है। और ये VK इंडस्ट्रीज है जो इस आइटम्स को बनाती है। ये एक्चुअली में एनिमल फीड है, जैसे फीस और हेन के जो भोजन होते हैं उस टाइप के भोजन है उनका। तो ये जा रहा है जिससे रेलवे को काफ़ी रेवेन्यू प्राप्त हुई है और इनके द्वारा अभी और भी ब्रेक का इंटेंट जा रही है और इस प्रकार के और भी ब्रेक इसी उत्पाद का और दर्शना और अन्य जगह के लिए जाएगी और इससे हमारे रेलवे को रेवेन्यू मिलेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से और भी कोई दूसरे व्यापारी हों वो आए और रेलवे हर संभव प्रयास करेगी कि उनको